मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रमबोहा रजवार में जिला कुपवाड़ा का एक गांव है, जहां डॉक्टर जावेद गायनेकोलॉजिस्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कम से कम 60 मरीजों को देखा है और 60 लोग एक पंक्ति में हैं। मुझे कई गर्भवती महिलाएं भी दिखी जिनमें कैल्शियम की कमी पाई गई। मैं इन महिलाओं से कैल्शियम युक्त भोजन और भारी भोजन लेने का अनुरोध करता हूँ। उक्त गांव के स्थानीय लोग बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि हर 2 महीने में हम 21 RR से अपील करते हैं कि वे इस क्षेत्र में मेडिकल कैंप रखें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। हम 21 RR के लिए भी आभारी हैं जो इस गांव में आते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाइयां वितरित करते हैं। 9 बजे कोई आता नहीं है, लेट शुरू किया है ताकि लोग घर का काम खत्म करके और अपने टाइम से आ जाए। फिर भी सवेरे ही शुरू है। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। जो हमारे हॉस्पिटल पे नहीं आते हैं उनको दवाइयाँ फ्री मिलती है यहाँ पे, या जो आना नहीं चाहते हैं एटलीस्ट हमें यहाँ पे पता चलता है। कि मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ कंसल्टेंट। तो मेरे आज जितने भी पेशेंट देखे हैं गायनी रिलेटेड देखे हैं आज, बाकी यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी देखे हमने, 7वां महीना चाहे 8वां महीना हो चाहे 9वां महीना है। एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा एनीमिक होती है क्योंकि आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होता है कश्मीर में ज़्यादा यहाँ पे, तो उनके लिए भी वो दवाइयाँ जो जिनको फ्री मिलती है यहाँ पे, दवाइयाँ भी सबों को फ्री मिल रही है। बाकी लोगों ने कोऑपरेट, लोग जितने भी आए हमारे पास पेशेंट्स उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। एटलीस्ट हमने अभी तक 10:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, अभी 1 बजे तो हमने एटलीस्ट 50 पेशेंट देखे हैं, 50-60 पेशेंट देखे हैं हमने। डॉक्टर साहब भी साथ में हैं हमारे साथ, एटलीस्ट 50-60 और भी है क्यू में। कैसे है लोगों के लिए आपकी तरफ से? मेरा मैसेज ये है कि जो ये आर्मी, इंडियन आर्मी कैंप करवाते हैं, एटलीस्ट मैं 2-3 कैंप में गया हुआ हूँ, वो ये आगे भी होना चाहिए। एटलीस्ट ये बेनिफिट मिलता है हम लोगों के लिए। क्या आम लोगों को इन कैंपों से बेनिफिट मिलता है? जो हम लोग ने सुबह सुनिया बिल्कुल, हम 21 RR के बहुत मशहूर है। उन्होंने पहली बार आज यहाँ पे जो है मेडिकल कैंप का इनका किया है, उसके लिए हम 21 RR के बहुत ही मशहूर है। जितनी भी हम उनकी तारीफ करें बहुत कम है। ये पहली बार है इस गांव में, ये जो गांव है बहुत फार फ्लंग एरिया, क्रमबूर इस गांव का नाम है, फार फ्लंग एरिया है, लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है हंदवाड़ा से, हंदवाड़ा मैन टाउन से, हंदवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर वाका है। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ, बिल्कुल पानी नहीं है। ये मेडिकल कैंप है, इस मेडिकल कैंप से अगर आप देखोगे इस वक्त तक आज सुबह 9 बजे से यहाँ शुरू हुआ, लगभग अभी तक 400 से ज़्यादा लोग जो है उनको मुफ्त दवाई दी गई, उनको मुफ्त मुआयना किया गया, और फौज की तरफ से लगभग 6-7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाए गए, डेंटिस्ट है यहाँ, फिजिक जनरल फिजिशियन है यहाँ, और स्किन का भी एक स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट भी है, और गायनिक जो एक गायनिक डॉक्टर साहब है वो भी यहाँ आई हुई है, और लोगों को जो मुख्तलिफ बीमार हैं उनको यहाँ पे आज आसाइश मिल गई और उनको यहाँ पे मुफ्त दवाई दी गई। शुक्रिया सर।